खुशखबरी खुशखबरी, क्या मज़ेदार क्वेश्चंस आपके आगे हैं डायग्राम क्वेश्चंस फिजिक्स 12 के लिए। और मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, 100% लिख लेंगे, बोर्ड एग्जाम में आपके पर्पज से रिलेटिव क्वेश्चन 100 मिलेगा आपको। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस का मज़ा लेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही चुटकियों में समझाया गया। तो देखिए आपका जो डायग्राम दिया गया है, एक डायग्राम्स में आपके लिए फिगर दी गई है। इसमें आपका ए का पर्पज का मान पूछा है, एमीटर ए का पाठ्यांक पूछा है, दूसरा पूछा है कि वोल्टेज वी का पाठ्यांक क्या हो गया और यहाँ शक्ति गुणांक क्या हो गया। देखिए बच्चों, जब भी इस प्रकार का डायग्राम आपको मिलता है, खास तौर से इंटर लेवल में भी आता है आपका, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि ये हमारा पर्पज क्या है। तो देखिए पर्पज की पहचान सीख लेंगे। तो देखिए इस प्रकार का जो निशान है, ये हमारा सी को डिनोट करता है, यानी धारिता को डिनोट करता है। दूसरे बात करते हैं 0.H का मतलब हेनरी। तो यहाँ देखिए हमारा ये L को डिनोट करता है, यानी स्वप्रेरकत्व है। बात कर लेते हैं, इस पर 20 ओम दिया है, तो ये हमारा जो साइन है ये प्रतिरोध का है। उसके बाद में यहाँ एक अमीटर लगा हुआ है A, और एक वोल्ट मीटर V लगा हुआ है। तो देखिए ये वोल्टेज की समीकरण दे रखिए, तो अब इसकी आप कंपेयर करेंगे, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ से जब कंपेयर करते हैं तो देखिए अब यहाँ मानों को लिख लेंगे, तो मानों का जो मान है, यानी V0 जो आपका हो जाता है 200√2 है। ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा का मान जो है आपका 400 है। और देखिए इन मानों को भी लिख लेंगे, कैपिटल R जो है आपका 20 ओम का दिया है, L जो है आपका 0.1 हेनरी दिया हुआ है। और देखिए बात करते हैं धारिता यानी C, तो ये 62.5 माइक्रोफेरेड दी गई है। देखिए धारिता जो नापते हैं हम, किस में नापते हैं, फेरेड में, तो चेंज कर लेंगे 62.5 × 10⁻⁶। अब ये आपका कन्वर्ट हो जाएगी फेरेड में। तो देखिए पहला जो पार्ट था अमीटर ए का पाठ्यांक, वो आप निकाल लेंगे। तो देखिए पहले पार्ट पे चलते हैं, पहला पार्ट आपसे पूछा है इसने, अमीटर ए का पाठ्यांक। तो देखिए अमीटर ए का जो पाठ्यांक है, यानी इसमें धारा बहेगी, तो इसलिए होता है IRMS। इसका जो फॉर्मूला होगा आपका VRMS अपॉन कैपिटल Z। तो Z देखिए यहाँ पे हमारी प्रतिबाधा है। अब आप देखेंगे कि VRMS तो हमें नहीं दिया है, तो VRMS को चेंज कर देंगे V0/√2। Z की अगर बात आती है तो ये हमारा LCR पर्पथ है। जब LCR पर्पथ है तो Z की वैल्यू होती है ओमेगा L माइनस 1/ ओमेगा C का स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। अब देखिए मानों को रख लेंगे, V0 का मान देखिए आपका 200√2, तो यहाँ 200√2/√2। नीचे वाले मानों को आएंगे, अब देखते हैं कि हम ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा आपका 400, एल की बात करते हैं 0.1 माइनस, आगे देखते हैं 1/ ओमेगा दोबारा आ गया तो 400 रखेंगे, और सी की जो वैल्यू है 62.5 और × 10⁻⁶। अब देखिए यहाँ इन दोनों पे क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है और प्लस आपका है R स्क्वायर, तो R तो हमारा कितना है 20, तो यहाँ 20 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ √2 से √2 कट जाता है, ऊपर आपका बचता है 200/ में अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ ये आपका 40, क्योंकि 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ज़ीरो हट जाएगी, माइनस आपका है 1/ देखिए 20 यहाँ पर हैं, तो इसमें से 20 लेस कर देंगे तो 4 × 62.5 और × 10⁻⁶। उसके बाद में आपका ये स्क्वायर है और यहाँ पर लिखा हुआ है 20 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखिए 20 हैं, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, ये 20 कम करी हैं, तो यहाँ पावर जो आपकी एक कम हो जाएगी, तो यहाँ आपका 20 अगर कम करने का मतलब है तो यहाँ पावर रह जाएंगी आपकी 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपका कितना हो गया 200/√40 − 10
और ये माइनस पावर जब ऊपर जाएंगी तो ऊपर जाने पर ये आपकी चार जीरो बढ़ा लेंगे, 2, 3, 4, और अपॉन में अब चार से गुणा कर लेंगे, 4 5 20, 4 2 8 तो 10 हो गया, हासिल आपका 1 हो गया, 4 3 24 और 1 25 आपका स्क्वायर दिया हुआ है, और प्लस ये 20 का स्क्वायर दिया गया आपको। तो देखिए यहाँ 20 से हमने 20 काट ली हैं और 25 से हम इसे काट देंगे 40 बार, जब 40 बार काट देंगे तो यहाँ देखिए आपका बचता क्या है, अब आपका है 200 बटे, अंडर रूट के अंदर देखिए आपका जो पार्ट है ये 40 है और ये भी आपका सरल करने पर 40 आता है, जब 40 में से 40 घटाएंगे तो ये तो 0 हो गया, और प्लस में आपका 20 का स्क्वायर, यहाँ आप करेंगे ऊपर 200, तो यहाँ आपका जो वर्मूल निकलेगा इसमें 20 निकलेगा, 20 स्क्वायर का, क्योंकि एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ 0 से 0 करेंगे और 2 से इसे हम काट देंगे 10 बार, तो यानी हमारी जो 10 एम्पियर की धारा होगी एमीटर का पाठ्यांक। सेकंड पार्ट इसने बात की है, तो सेकंड पार्ट इसने पूछा है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर यानी वी का पाठ्यांक पूछा हमसे, और देखिए बात करते हैं वोल्ट मीटर के पाठ्यांक की, तो ये होता है हमारा ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी इंटू आई। अभी आपने देखा इस क्वेश्चंस में कि ओमेगा एल जो हमारा कितना है, ये 40 आया है, माइनस 1 बटे ओमेगा सी, ये भी 40 आया है, और यहाँ पर ये आपकी धारा है, तो ये तो आपका कितना हो गया 0, यानी वोल्ट मीटर वी का जो पाठ्यांक है वो 0 हो गया। थर्ड क्वेश्चन इसने पूछा था हमसे शक्ति गुणांक, तो थर्ड क्वेश्चंस पे आते हैं, देखिए यहाँ थर्ड क्वेश्चंस जो है आपका शक्ति गुणांक हमारा होता है कॉस फाई, और कॉस फाई की वैल्यू होती है आर अपॉन जेड, मानों को रख लेंगे कॉस फाई आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू तो आपकी कितनी है 20, तो यहाँ आर की वैल्यू हम जो है 20 रखेंगे। जेड की बात करते हैं तो देखिए जेड वाला पोर्शन जो सारा नीचे वाला था उसकी जो वैल्यू कितनी आई है 20, तो यहाँ 20 रख देंगे, 20 से 20 को काट देंगे, इसका मतलब कॉस फाई आपका 1 हो जाता है, तो यहाँ हमारा जो है शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा 1 हो गया। तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियो मेरी है, मेरे चैनल को लाइक करेंगे और साथ में अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स ज़रूर देंगे। धन्यवाद।